उस अभियान का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। और अध्यक्ष जी लेके आज तक बीआरसी सीआरसी में जो है कभी की भर्ती नहीं की गई। हमारे जो टीचर स्कूलों में काम करते थे वो टीचर नियुक्ति पे वहां भेज दिए जाते थे और स्कूल खाली रहते थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो पहले तो दीदी को मुझे धन्यवाद देना चाहे कि मंत्री जी तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है, उनको नौकरी भी दे रहे हैं। पहले सुन तो लो पूरी बात है। मैं आज आप मिनट तभी बोलो मैं जवाब दूंगा। नहीं सुन लीजिए। अब माननीय अध्यक्ष जी इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान इसका नाम रखा गया। और समग्र शिक्षा में ये अभियान जो है भारत सरकार का है। भारत सरकार ने हमको टोटल जो पद दे रखे हैं उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन है, टोटल हमको जो पद दिए गए हैं वो 285 पद हैं बीआरसी में, 670 पद हैं सीआरसी में, टोटल 955 पद दिए गए हैं। और जब हमारी सरकार आई और मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने कहा भाई कि हम टीचरों को पढ़ाने के अलावा बीआरसी सीआरसी का काम नहीं देंगे और यहाँ जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार नियुक्तियाँ की जाएंगी। भारत सरकार कहती है कि राज्य परियोजना अधिकारी जो होगा वो पदेन महानिदेशक होगा, अपर राज्य परियोजना निदेशक होगा वो लेवल 13 का होगा, वो भी विभाग से प्रतिनियुक्ति से आएगा। वित्त नियंत्रक जो है वो भी लेवल 13 का होगा, वो भी प्रतिनियुक्ति से आएगा। संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक है लेवल 12 का, वो भी प्रतिनियुक्ति से आएगा। ऐसे उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी है। और जो बीआरसी सीआरसी हैं उन्होंने कहा कि ये आउटसोर्स से रखे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार कह रही है। और भारत सरकार ही इसके लिए राज्यों के लिए क्या देती है, पैसा देती है। उनके तनख्वाह भी फिक्स है कि किसको 25,000 रुपये मिलेंगे, किसको 40,000 रुपये मिलेंगे, किसको 50,000 रुपये मिलेंगे, किसको 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ये भारत सरकार के मानक तय हैं। दीदी को ये धन्यवाद देना चाहता था मुझे। हाँ दीदी को ये धन्यवाद देना चाहता था मुझे कि पहली बार किसी मंत्री ने, यार हृदय आज तुम इतने गर्म क्यों, पहली बार किसी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री और मैंने जो है साहस किया कि 955 लोगों को अपने राज्य में बीआरसी सीआरसी में नौकरी देने का। और जो चाहती हैं दीदी वो आरक्षण भी देने का काम कर रही। अब इससे ज्यादा ताली तो बजा दो दीदी इसके लिए। माननीय मंत्री जी ने अभी ये कहा कि शिक्षक केवल विद्यालय में पढ़ाए, इसीलिए बीआरसी और सीआरसी पदों की भर्ती हम आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग से करने के क्या हुआ? दूसरा ये कह रही क्या शिक्षक अब केवल पढ़ाएगा, उसके अलावा अन्य जो ड्यूटियां लगाई जाती हैं वही कह रही। शिक्षक का ही पूछ रही हूँ कि जो चुनाव ड्यूटी होती है, जनगणना होती है, पशु गणना होती है और तमाम जगह शिक्षकों की, कहीं भी जहाँ कोई ड्यूटी नहीं करता वहाँ शिक्षकों को भेज दिया जाता है। तो केवल विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने का ही काम करे। माननीय अध्यक्ष जी NEP 2020 में भारत सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि शिक्षक को अब पढ़ाने के अलावा काम नहीं दिया जाएगा। और राज्य सरकारें अब धीरे धीरे शिक्षकों को जनगणना से भी, चुनाव ड्यूटियों से भी धीरे धीरे जो है 2027 तक जो है भारत सरकार ने कहा है कि अब आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, टीचर को पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे इसको। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए एक सवाल करूंगा मैं। जो बीआरसी सीआरसी के पद आप कर रहे हैं इसमें आप आरक्षण की तो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये आप बताएंगे कि इसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी करेंगे आउटसोर्स में या फिर बाहर के लोगों को लाने का काम करेंगे? और दूसरा ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमारे भाई ने। मेरे पे एक आरोप लगा जब हमने नर्सिंग भर्ती की, सुन लीजिए, और हमारी सरकार पे लोगों ने फेसबुक में चलाया कि सब बाहर के आ गए नर्सिंग अधिकारी। वर्षवार जब नियुक्तियां की गई हमने तो बहुत चलाए, मैं भी चुपचाप रहा। अच्छा हो गया आपने पूछ लिया आज।
अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ, मैं तो कैसे बोलते मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ और अपने संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और धन्यवाद क्या दे रहा हूँ, और सबका धन्यवाद दे रहा हूँ कि जितने नर्सिंग अधिकारियों की हमने नियुक्ति किया 100% उत्तराखंड के लोगों की। और इसमें उनका जवाब दे रहा हूँ। और इस बीआरसी सीआरसी में भी हम जितने आउटसोर्स से लगाएंगे वो उत्तराखंड के मूल निवासियों को लगाएंगे, बाहर का कोई नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 10 मार्च 2023 को एक आदेश कार्यालय महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से जारी हुआ था कि कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, दरगाह प्रबंधक रजिया को दरगाह प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा कोई कार्य नहीं करने, तो क्या उसे हटाया जाएगा? क्या बताया आपने? आप क्या चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे ऐसा? मैं आप ही के लिए तो खड़ा हो रखा हूँ। नहीं फॉर्म नहीं भाई, देखो काम कर रखा हमने, कोई झूठ थोड़ी बोले यहाँ पे। माननीय अध्यक्ष जी, हर कार्मिक का जो सर्विस बुक होती है उसमें लिखा रहता है कि वो जो है अपने जीवन में 5 साल या 3 साल प्रतिनियुक्ति पे भारत सरकार भी जा सकता है, अन्य विभागों में भी जा सकता है, और कहीं भी वो जाने के लिए क्या है उसके लिए हुआ है। अब जब कौन सा विभाग है जो वहाँ प्रतिनियुक्ति पे जाए, वहाँ जब विज्ञापन आया होगा कि भाई हमको प्रतिनियुक्ति पे फलाना फलाना योग्यता का जो है व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकता है, अप्लाई हमारे टीचर ने भी क्या होगा, और जब हमारे टीचर ने अप्लाई क्या होगा तो उसका जो है रिटर्न भाई बा कुछ तो हुआ होगा, ठीक हो गया। उसके बाद वो सेलेक्ट होके 1 साल 2 साल 3 साल जो भी प्रतिनियुक्ति का होता है वो वहाँ गया होगा। अब तय ये करना है कि मैं अगर आपकी मानूँ तो आप कह रहे हैं कि जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो मेरा कहना है तो बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आप। प्रश्न संख्या दो, ये पद कितने समय माननीय सदस्य, एक मिनट बहन जी, मैं ये हम जो आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, हमारी चिंता ये रहती है कि किसी भी क्षेत्र में जब आउटसोर्सिंग करते हैं तो उसका दायरा हमको थोड़ा सा समेटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ब्लॉक स्तर पर अगर हम कोई नियुक्ति कर रहे हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए उस ब्लॉक के लोग ही पहले लगे, जिला स्तर कोई नियुक्ति है तो जिले के लोग लगे। अभी कठिनाई क्या होती है कि आदमी नियुक्ति तो पा लेता है, उसके बाद देहरादून आने के चक्कर में लग जाता है, हरिद्वार आने के चक्कर में। तो क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं? सरकारी सिस्टम में तो खैर एक बड़ा वो हमको अमेंडमेंट वगैरह करने पड़ेंगे, लेकिन जो आउटसोर्स है, आउटसोर्स पे हमारा सीधा नियंत्रण होता है एजेंसी का। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध पूछना चाह रहा हूँ कि जिस स्तर की नियुक्तियां हैं, मान लो ब्लॉक स्तर पर कोई आउटसोर्स की नियुक्ति हम करना चाहते हैं, तो क्या ब्लॉक स्तर का जो आधार कार्ड होल्डर, माननीय सदस्य बैठिए, आपका सवाल आ गया, आधार कार्ड होल्डर उसको मिलेंगे? ये बड़ा विषय है, ये पूरे उत्तराखंड के भविष्य का विषय है जो मैं बोल रहा हूँ। छोटे से प्रश्न के माध्यम से मैं पूरे उत्तराखंड के जो पलायन है, जो नौजवानों की स्थितियां है, उस पर बात कर रहा हूँ, उस पर चोट कर रहा हूँ। व्यवस्था बनाएंगे क्या माननीय अध्यक्ष जी? सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, चर्चा का विषय पूरे सदन का। माननीय अध्यक्ष जी, ये क्योंकि प्रश्न सभी विभागों से संबंधित है और हम भी चाहते हैं कि आउटसोर्स से जो भी व्यक्ति लगे वो या तो उस जिले का हो, या जो है उस ब्लॉक का हो, या फिर जो है जिन्होंने जमीन दान दी हो उनका कोई व्यक्ति हो, या हम भी चाहते हैं। लेकिन जब हम विज्ञापन निकालते हैं तो लोग कोर्ट चले जाते हैं, और जब कोर्ट जाते हैं
तो कोर्ट में यह आदेश आ जाता है कि भाई आपने इसको जो है यहीं तक क्या क्यों सीमित क्यों रखा। तो या तो हम इसमें जो है पूरे विभागों की नियमावली चेंज करें, ठीक हो गया। तो यह व्यापक विषय है और मुझे लगता है कि इस पर विचार होगा, या तो सरकार बैठी है। एक प्रश्न के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, बुनियादी प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या सरकार इस पर आश्वासन देगी? ना एक मिनट पुरकार साहब का, सरकार क्या इस पर आश्वासन देगी? इस पर कोई विचार होगा क्या? प्रश्न संख्या दो माननीय श्रीमती ममता राकेश जी, प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो माननीय अध्यक्ष, सवाल करिए माननीय सदस्य, सवाल करिए। सवाल करिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर भाषण में दिया कहा है कि विभागों के नाम बताए हैं कि इन विभागों में गोल्डन कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि क्या देहरादून शहर में मैक्स हॉस्पिटल और सिनर्जी अस्पताल भी इसमें शामिल किए गए हैं? और चलो एक का बता दो पहले, फिर दूसरा पूछो। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो माननीय विधायक हैं श्रीमती ममता राकेश जी, वो टीचर भी रहे हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं और भाई के साथ कभी कभी नाइंसाफी कर लेते हैं। सवाल वो पूछ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के अधीनस्थ राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाएगी? मैंने कहा हाँ दी जाएगी। वो दूसरा सवाल कह रहे हैं कि क्या आप इन सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पे लागू करेंगे? मैंने कहा हम करेंगे। अब ये कहाँ से आ गया कि था वो हॉस्पिटल, अरे फलाना हॉस्पिटल। अब मैं कुछ उत्तर में, जो अगर आपकी अनुमति होगा तो मैं कुछ इसमें बोलना चाहता हूँ और आप ध्यान से सुन लीजिए दीदी, फिर कोई दिक्कत होगी तो फिर मुझे बताइए आप। माननीय अध्यक्षा जी जब उत्तराखंड राज्य बना तो लोग बहुत परेशान रहते थे स्वास्थ्य के कारण, और कार्मिक भी दिक्कत रहती थी। हमारी जब सरकार आई और पिछली सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लाई, और उत्तराखंड सरकार ने उससे बड़ा काम ये किया कि हमने आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ में अटल आयुष्मान योजना चला के पूरे प्रदेश के लोगों को उसमें आच्छादित किया। उसमें खाली बीजेपी कांग्रेस नहीं है, उसमें सब लोग, ठीक है। अब इसमें भी हाँ धन्यवाद है, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलो ना, प्रेस वाले भी सुनेंगे। अब माननीय अध्यक्षा जी, हमारी सरकार के द्वारा जितने भी कार्मिक हैं हमारे राज्य के, अभी तक गोल्डन कार्ड धारकों की जो संख्या हमारे राज्य में 487,000 कार्मिकों के हमने गोल्डन कार्ड बना रखे, और इसमें अभी तक जो है 115,098 मरीजों का हम इलाज करा चुके हैं, जो कि क्या है हमारे कार्मिक हैं। और माननीय अध्यक्षा जी, 349,46,00,000 रुपए हम इन पे क्या कर चुके, खर्च कर चुके हैं। अब आज की डेट में जो भी कार्मिक जो है हॉस्पिटल जाता है, ओपीडी में जब वो जाता है तो जब वो वहाँ पैसा जमा करता है तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है, वो बाद में बिल देगा और उसको हम क्या करते हैं, रिफंड करते हैं। आईपीडी में अगर जाएगा कार्मिक तो उसको कैशलेस इलाज जो है फ्री है, उनके लिए जनता के लिए 5,00,000 है, कार्मिकों के लिए क्या है, अनियमित है। वो 10,00,000 भी खर्चा होगा हम देंगे, 15,00,000 भी होगा वो भी देंगे, 20,00,000 भी वो भी देंगे। अब हमने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक देहरादून, दो गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी, तीन पढ़ा हुआ मान लिया,
इनको जो है सम्मिलित कर दिया उसमें। अब जो दीदी कह रही है, दूसरा जो सबसे अच्छा प्रश्न कह रही दीदी कि क्या अन्य निगमों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, मैंने कहा किया जाएगा, ठीक है। हम लोग पूरा बोलने दो, हमारी सरकार अध्यक्षा जी उत्तराखंड परिवहन निगम एक, गढ़वाल विकास निगम दो, कुमाऊं विश्वविद्यालय तीन, DBS कॉलेज चार, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पाँच, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी छः, उत्तराखंड जल संस्थान सात, श्री गुरु राम राय PG कॉलेज देहरादून आठ, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम नौ, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर दस, उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास निर्माण निगम ग्यारह, उत्तराखंड वन विकास निगम बारह, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय तेरह, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण चौदह, बद्रीनाथ बद्री केदार मंदिर समिति पंद्रह, इंस्टीट्यूट ऑफ है नहीं नहीं अभी लिया नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, आपके हिसाब के लिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन देहरादून 16, उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम 17, गोविंद बल ये पढ़ा कहाँ, ये तो मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, या तो भाई मैं चुपचाप रहूँ। देखो ये सबके हित के लिए मैं इसमें, आप थोड़ा बोलने दीजिए मुझे। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी 19, दून विश्वविद्यालय 20, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय 21, अब फिर आप कहोगे कि हमारा क्यों छोड़ दिया, शहरी विकास निदेशालय निदेशालय पंचायती राज, आप ही धन्यवाद दे दीजिए, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पुलिस वालों को भी धन्यवाद देना चाहिए हमको, मुख्यालय उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, विपिन त्रिपाठी कुमाऊं कहा है मारे, ठीक है, आज कहा है विधायक जी आए नहीं हो, जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है कुमाऊं का उसको भी ले रहे हैं, और वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अभी आए नहीं आज हमारे मंत्री जी, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन उनको भी ले रहे हैं, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन उनको भी ले रहे हैं, ब्रिज रूप टनल, देखो कितना बड़ा काम कर रहे अब कि टनल के अंदर अगर कोई मरीज अगर इंजेक्ट होता है उसको भी इसमें ला रहे हैं, उत्तराखंड रूपवे टनल एंड अदर जो भी है ये बिटकुल हो गया ये सब आ रहे हैं इसमें, झील विकास प्राधिकरण को भी ला रहे हैं हम लोग, भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण को भी ला रहे हैं, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भी ला रहे हैं, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास को भी ला रहे हैं, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को भी ला रहे हैं, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये जितने प्राधिकरण अभी 10-12 हो रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं इन्होंने हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे रखी है और हम इनको भी गोल्डन कार्ड में आच्छादित करने का निर्णय। मैम मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार गोल्डन कार्ड सिनर्जी मैक्स हॉस्पिटल में जो कर्मचारी पेंशनर हैं उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करेगी, ये दूसरा, और कर्मचारियों को OPD में दवाइयां इत्यादि भी कैशलेस करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में 15 राज्य से बाहर भी लगभग 1500 हॉस्पिटल हमने इस पे इन पैनल किए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है या कार्मिक जो है वहाँ इलाज कराने के लिए जा सकता है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्पेसिफिक 2 हॉस्पिटल पूछे हैं, आप अगर हल्द्वानी का वो भी पूछ लेते ब्रिजलाल तो उसका भी उत्तर दे देता मैं। हाँ, केवल ब्रिजलाल है हल्द्वानी में? हाँ सुनते लीजिए आप, केवल ब्रिजलाल है माननीय मंत्री जी? आप और 2-3 और पूछ लीजिए। नहीं मैं धन्यवाद सारी कर दीजिए, मैं पूरा धन्यवाद दे दूंगा आपको। अध्यक्ष जी आज सबको दे देंगे। अध्यक्ष जी ये स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना हम ब्रिजलाल देखते हैं ना जिसमें हम सिनर्जी देखते हैं, क्या है
कि दो चार हॉस्पिटलों ने थोड़ा इसमें ये कहा था कि वो गोल्डन कार्ड और आयुष्मान लेने में कतरा रहे थे, और मैंने अभी उनकी बैठक कर दी है। मुझे पता था कि हमारे बड़े भाई साहब नेता प्रतिपक्ष जी सवाल को जरूर पूछेंगे, और मैंने उनकी बैठक की कि आपको अगर उत्तराखंड में हॉस्पिटल चलाना है तो आपको गोल्डन में भी आना पड़ेगा और आयुष्मान में भी आना पड़ेगा, और इसलिए उत्तराखंड के जितने भी हॉस्पिटल हैं, ठीक है कि वो 100 बेड का है हमारे, वो 10 बेड आयुष्मान के लिए रिजर्व कर दें, गोल्डन के लिए 10 बेड रिजर्व कर दें, लेकिन उत्तराखंड में जिस भी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल है, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल है, उसको इससे भागना नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो इलाज तो उसको कराना पड़ेगा, आपके माध्यम से मैं मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो घातक बीमारी है कैंसर या अन्य, क्या उसमें अटल आयुष्मान कार्ड की सीमा आप बढ़ाने जा रहे हैं? तो गोल्डन कार्ड का, गोल्डन कार्ड का। माननीय अध्यक्ष जी, गोल्डन कार्ड की तो कोई सीमा है नहीं, आम आदमी तो थोड़ा ही मिल रहा। और वही तो, अभी तो गोल्डन कार्ड का है, वो आने वाला है प्रश्न, अभी है वो, अभी 18 प्रश्न है, अभी आएगा वो भी, चाहे 10 मिनट हो लगेगा उसका भी जवाब दूंगा मैं आज। अध्यक्ष जी, हम जब से आयुष्मान योजना चला रहे हैं 60,000 से ज्यादा जो है कैंसर के पीड़ितों का इलाज हमारी सरकार फ्री करा चुकी है, और ये भी सत्य है जो माननीय विधायक जी ने कहा कि कैंसर का इलाज जो है थोड़ा महंगा इलाज है। तो अभी जो प्रश्न आ गए, वो प्रश्न पूछा है हमारे किसी साथी ने, उसमें मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, लेकिन हम कैंसर के रोगियों का इलाज जो है आयुष्मान में फ्री कराते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में अस्पतालों की बात करी और गोल्डन कार्ड आयुष्मान दोनों ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आपने कहा कि आप उनसे बात करेंगे, मैं आपसे ये जानकारी जानना चाहता हूं कि इस वार्ता के बाद क्या कोई शासन आदेश या कोई कैबिनेट में पारित होकर ये कोई बिल आने वाला है कि अनिवार्यता बनेगी इन अस्पतालों के लिए? धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी जो है, जो बोल दिया वो पक्की। दूसरा, हमारी सरकार ने जब ये तय कर दिया कि भाई हमको, देखो आप फिर आप चीनी पे चले गए आयुष्मान, ठीक है, ऐसा हुआ माननीय कि हमारे माननीय विधायक हल्द्वानी, माननीय अध्यक्ष जी अभी एक कार्यक्रम में साथ थे, और मैं प्रसंग बस इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मार्क किया मुझ पर, वो एक कार्यक्रम में थे और वो डर डर के 1 करोड़ रुपये मांग रहे थे कॉलेज के लिए। मैंने कहा मैं 10 करोड़ रुपये दूंगा इस कॉलेज को, और एक महीने बाद मैंने 10 करोड़ रुपये दिया, पूछ लीजिए साक्षी है, बोलो दिया कि नहीं दिया? तो मैं भी अधिकार से दिया कि नहीं दिया? तो धन्यवाद तो दे दो, ठीक है। तो माननीय अध्यक्ष जी, हमने जिन जिन हॉस्पिटलों से बात हो गई है उसका जल्दी हम लोग एक सर्कुलेशन जारी करेंगे कि ये हॉस्पिटल भी आयुष्मान और गोल्डन कार्ड में सम्मिलित है। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है माननीय, बहुत इम्पोर्टेंट है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रश्नकाल विपक्ष का होता है, और अभी हम दूसरे प्रश्न के से आगे नहीं बढ़े हैं, और समय एक मिनट भाई साहब सुन तो लीजिए, भाई साहब मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना ये विपक्ष का होता है प्रश्नकाल। माननीय अध्यक्ष जी, परंपरा ये रही है कि एक प्रश्न के सापेक्ष आप 3 अनुपूरक कर सकते हैं, मुझे लगता है इसी प्रश्न के सापेक्ष कम से कम 15 अनुपूरक हम लोग पूछ चुके हैं, ठीक है। तो मेरा अनुरोध है कि सभी के सवालों का जवाब आ जाए। मंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण है, आपने गोल्डन कार्ड की बात करी और आयुष्मान कार्ड जो बहुत महत्वपूर्ण है, आयुष्मान कार्ड केंद्र का कार्ड है, केंद्र सरकार का कार्ड है, लेकिन जब हमारा उत्तराखंड का आदमी कोई
बीमार होता है, मान लीजिए बनबसा का कोई, माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा, इसलिए उदाहरण वहां का दे रहा हूं, बनबसा का कोई व्यक्ति बीमार होता है और हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत या सुशीला तिवारी सबको पता है, वो भोजीपुरा जाता है, तो आपकी सरकार ने ये बैरिकेड कर दिया है जो भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड है कि अगर आप बनबसा से बीमार होते हैं तो पहले आप चंपावत जाएंगे उल्टा 75 किलोमीटर, या तो आप जिला अस्पताल से रिफर करा के लाओ या फिर आप सवाल करिए जी, वही पूछ रहा हूँ, या तो जिला अस्पताल से रिफर कराओ या मेडिकल कॉलेज से रिफर कराओ। तो वो जो जा रहे हैं, खटीमा कोई बीमार होता है तो उसे भोजीपुरा जाने के लिए रुद्रपुर जाना पड़ता है, तो क्या जो सीएससी सेंटर है आपके, जो छोटे अस्पताल जहां पर है, उनके रिफर को अन्य राज्य में भी आयुष्मान के लिए मान्य होगा, वो चिट्ठी लिख के आप भेजेंगे या लोगों को इसके लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आठवां प्रश्न आयुष्मान का है, उसका भी जवाब दूंगा मैं भी, लेकिन हमारे माननीय भुवन कापड़ी जी ने कहा है कि क्या अभी तक व्यवस्था ये है कि कोई भी मरीज, अगर पहाड़ में कोई मरीज है तो वो जो है पहले हमारे हॉस्पिटल जाएगा, जो भी निकटतम हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, तो पहाड़ में रेफर की व्यवस्था ये है कि वो सरकारी में भी जा सकता है, प्राइवेट में भी जा सकता है, वहाँ से हल्द्वानी भी आ सकता है, देहरादून भी आ सकता है। तराई में जो हमारे 2-3 जिले हैं, वहाँ हमने व्यवस्था बनाई है कि कोई भी मरीज अगर पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे अगर उसको दिक्कत है तो वो जो है प्राइवेट को रेफर करेगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को लिखना पड़ेगा कि हम रेफर क्यों कर रहे हैं। नहीं तो हो क्या रहा था कि सारे लोग क्या है प्राइवेट में चले जा रहे थे, इसके कारण हमने व्यवस्था बनाई कि यार मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अब जो आप व्यवहारिक दिक्कत आप बता रहे हैं कि बनबसा के आदमी को जो है उल्टा जाना पड़ता है, इस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे ताकि किसी भी मरीज को दिक्कत। प्रश्न संख्या चार माननीय विक्रम सिंह नेगी जी को चिट्ठी भेजेंगे, माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे प्रश्न किया था कर्मचारियों के ओपीडी में कैशलेस मना किया ना, उसका माननीय अध्यक्ष जी, जो ओपीडी हमारी वो पूरे देश में उसको प्रतिपूर्ति ही दिया जाता है। ठीक ठीक, तो प्रतिपूर्ति और हम दे रहे हैं, माने एक ही बात है, वो चाहे बाद में पैसा ले ले या पहले, बात एक ही है। जवाब आ गया माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या चार माननीय विक्रम सिंह नेगी जी। प्रश्न संख्या चार, पड़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीएससी चौंड लंबगांव में गर्भवती 2 महिलाओं की रेफर करने के बाद आधे रास्ते में मृत्यु हो गई, उस दिन अस्पताल चौंड लंबगांव में कितने डॉक्टर तैनात थे? और आप अपने जवाब में लिखा कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उप जिला चिकित्सालय नरेंद्र नगर से रोटेशन पर चौंड में तैनात की गई, वो किन किन तिथियों को अपनी सेवाएं चौंड लंबगांव में देने जाती हैं? पर्ची की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जो टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र प्रताप नगर का सीएससी है चौंड, यहाँ पे हमारे माननीय विधायक विक्रम सिंह नेगी जी का प्रश्न है कि वहाँ पे जो है एक गर्भवती महिला की जो है वहाँ से रेफर करते समय उसकी जान चली गई, और उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे पूछा है कि वहाँ पे कितने डॉक्टर हैं, क्या क्या वहाँ की स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पे कुल टोटल जो है 9 डॉक्टरों की वहाँ पे वैकेंसी है, और आज वहाँ पे 3 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, वहाँ पे 3 डॉक्टर हैं, और अभी हमने नर्सिंग स्टाफ जो है पूरा का पूरा जो है भेज दिया है। माननीय मंत्री जी, जिस दिन की ये घटना है
उस दिन कितने डॉक्टर तैनात थे? अब वही तो बता रहा हूँ। अब जिस दिन की घटना है उस दिन वहाँ पे जो डॉक्टर आशुतोष आनंद जी हो गए एक, डॉक्टर नेहा गर्ग हो गई दो, डॉक्टर शोभित कॉलोनी हो गया दो, और चौथा डॉक्टर शिवानी रावत, वहाँ पे चार डॉक्टरों की नियुक्ति थी। लेकिन उस दिन मैंने जो पता किया वहाँ के सीएमओ से भी, माननीय विधायक जी से भी मेरी बात हुई है, वहाँ मैंने अन्य लोगों से भी बात की है। उस दिन वहाँ पे जब वो परसवा के वहाँ पे हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे तीन डॉक्टर उस दिन छुट्टी पे गए थे और इसलिए वहाँ से उनको रेफर करना पड़ा। और मैंने तत्काल जो है वहाँ के सीएमओ को कहा कि भाई ये बताइए कि वहाँ पे अगर वहाँ इतने डॉक्टर नियुक्त थे तो आपने तुरंत जो है वहाँ पे किसी न किसी को डॉक्टर को रहना चाहिए था। और ये सच कह रहे हैं विधायक जी कि उस दिन वहाँ पे लापरवाही हुई है। और मैं भी आज अपने जवाब में कह रहा हूँ कि अगर कोई डॉक्टर, वैसे तो हम डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर लापरवाही करता है और अगर उस दिन वो किसी कारणवश वो छुट्टी थे तो उन्होंने किसी न किसी को वहाँ पे नियुक्त करना चाहिए था। लेकिन हमारे प्रत्युत्तर में ये मिला है कि उस दिन वहाँ पे कोई डॉक्टर उस समय उपलब्ध नहीं था। अगर उपलब्ध होता तो शायद वहाँ पे उसको इलाज हो जाता। अब यह है कि हमने उनकी इंक्वायरी कर दी है, इंक्वायरी के ये पता चला है कि उस दिन वो वहाँ पे छुट्टी पे गए थे। अब मैं सदन को ये कहना चाहता हूँ कि टिहरी जिले में हमारे टोटल जो है डॉक्टरों की अभी 27 डॉक्टरों की कमी है, बाकी वहाँ पे सभी डॉक्टर हैं।